Hello everyone, we are reading the chapter 3 of history, that is Nazism and the Rise of Hitler for class 9th. पिछले पार्ट में हमने देखा कि हेलमेट का जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ और नाजी पार्टी क्या थी. मैंने आपको बताया था जर्मनी में थी एक पार्टी और उसको नाजी पार्टी बोला जाता था. और उसके बाद हमने नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा. आफ्टर दिस जेनोसाइडल वॉर हमने डिस्कस की क्या होती है, गैस चैम्बर्स, ऑशविट्स के बारे में पढ़ा. तो ये सब चीज़ें हमने पिछले पार्ट में की. अब हम आते हैं वीमर रिपब्लिक पे, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक. दैट मींस अब ये वीमर रिपब्लिक है क्या. इट इज़ अ गवर्नमेंट जो कि जर्मनी में एग्जिस्टेंस थी इस गवर्नमेंट की, और ये 1919 में एग्जिस्टेंस में आई थी और 1933 तक ये गवर्नमेंट वहाँ पर रही. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने वीमर रिपब्लिक को अपनी गवर्नमेंट बनाया था और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उसने अडॉप्ट किया था. तो उसी गवर्नमेंट को हम वीमर रिपब्लिक के नाम से जानते हैं. तो लेट्स रीड. जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलीज. तो जर्मनी जो है एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी का, और उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, 1914 से 18 तक, और किसके साथ लड़ी थी, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ, अगेंस्ट द एलीज. एलीज पावर जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है. कौन कौन सी कंट्रीज़ थी एलीज पावर में, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. तो ये तीन कंट्री के खिलाफ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खड़ा था विद ऑस्ट्रिया. उसके बाद ऑल ज्वाइंड द वॉर एंथुजियास्टिकली होपफुली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री. सभी देशों ने ज्वाइन इसलिए किया था वॉर को क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जल्दी से हम जो है इसको विन कर लेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वॉर जो है बहुत लंबा खिंच गया, 4 साल का वक्त, 1914 से लेकर 1918 तक युद्ध चलता रहा, बट वॉर ख़त्म नहीं हुआ. लिटल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज. अब वॉर इतना लंबा चला कि उससे यूरोप के जितने रिसोर्सेज थे वो ड्रेन होने लगे, वो ख़त्म होने लगे कहीं ना कहीं. जर्मनी मेड इनिशियल गेंस बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था इनिशियली, यानी जब युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी जो है, जर्मनी को लग रहा था कि मैं इस युद्ध में ज़रूर विक्ट्री हासिल करूँगा. हाउ एवर द एलीज स्ट्रेंथन बाय द US एंट्री इन 1917. लेकिन एलीज पावर को स्ट्रेंथ मिली कब मिली, 1917 में जब US ने एंट्री ली. यानी US जो है कौन कौन से देशों के साथ मिल गया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया के साथ. एलीज पावर में एक और कंट्री आ गई, US. और 1917 में US आया और 1918 में उसने जर्मनी को हरा दिया और सेंट्रल पावर्स को भी हरा दिया. यानी जर्मनी जो है सेंट्रल पावर के साथ था और US की एंट्री के साथ एलीज पावर ये युद्ध जीत गई. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एबडिक्शन ऑफ एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी. अब ये जो डिफीट था इसमें क्या हुआ, जर्मनी में पहले मोनार्की थी, यानी एक राजा था जर्मनी का रूलर. तो अब जो है कहीं ना कहीं उसको हटा दिया गया, एबडिक्शन हो गया एम्परर का, और अब पार्लियामेंट्री जितनी पार्टीज थी जर्मनी में उन्होंने एक सरकार बनाने की सोची और बना भी ली. अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. तो ये जितनी नेशनल असेंबली है इनकी वो मिली, कहाँ मिली, वीमर में. वीमर इज़ अ सिटी. एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. डेमोक्रेसी क्या होती है आपको मालूम है, इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलूँगी मैं. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है जर्मनी ने अपनाया, और विद फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर यानी उसमें लोकल लेवल भी होता है और सेंट्रल लेवल भी होता है. फेडरल स्ट्रक्चर में डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और रीचस्टैग.
जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? रीचस्टैग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 1 मार्क में कि जर्मन पार्लियामेंट को हम क्या नाम देते हैं, तो रीचस्टैग इज़ द आंसर। और इसमें ये जो नेशनल असेंबली थी या जो वीमर रिपब्लिक थी, इसमें डेप्यूटीज़ को इलेक्ट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट। किस बेस पे उनको इलेक्ट करते थे? वोट्स के बेस पे। और वोट्स जो है कौन देता था? एडल्ट्स, और उसमें वुमेन भी इंक्लूड थी। द रिपब्लिक हाउ एवर वॉज नॉट रिसीव वेल बाई इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन अब ये गवर्नमेंट तो बन गई, बट जर्मनी के अपने ही लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ थे क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसको एज अ गवर्नमेंट। और उसका रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने एक ट्रीटी साइन की थी, एक संधि साइन की थी, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ था। तो लोग जो है कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को उसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे कि ये जो पीस ट्रीटी है ये इनकी वजह से साइन की है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये थे, तो इसीलिए लोग जो हैं इनको पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये नीचे जो है जर्मनी का मैप है, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे जर्मनी जो है बिल्कुल सेंटर में है, और साइड में राइनलैंड है, बेल्जियम है, और इधर अगर मैं करूँ तो पोलैंड है, और ऊपर जो है वो डेनमार्क है। तो ये है जर्मनी का मैप जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं फ़िलहाल चैप्टर, और आगे वर्सलाइज ट्रीटी के बारे में या पीस ट्रीटी के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्सलाइज विद द एलीज वॉज अ हार्श ह्यूमिलेटिंग पीस। जो ये वर्सलाइज ट्रीटी हुई थी ये हार्श थी और ह्यूमिलेटिंग थी, और किसने करवाई थी? ये एलीज पावर ने, क्योंकि एलीज पावर जीत गई थी तो उन्होंने जर्मनी से ये ट्रीटी साइन करवाई थी। तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को क्या क्या लॉस हुआ था? जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जितनी ओवरसीज कॉलोनी थी वो जर्मनी को खोनी पड़ी थी। द 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन का टोटल 10th हिस्सा जर्मनी ने खोया ड्यूरिंग दिस ट्रीटी। एंड 13% ऑफ टेरिटरीज, 13% अपने टेरिटरीज का जर्मनी को देना पड़ा। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोयल। 75% आयरन और 26% कोयल भी देना पड़ा टू फ्रांस एंड पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। तो इन कंट्रीज़ को इसे अपने रिसोर्सेज देने पड़े। उसके अलावा द एलीड पावर्स डीमिलिट्राइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब एलीड पावर ने एक और शर्त रख दी कि जर्मनी को डीमिलिट्राइज करना पड़ेगा। डीमिलिट्राइज यानी जर्मनी के पास अपनी कोई भी मिलिट्री नहीं होगी। द वार गिल्ट क्लॉज हैड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द एलीड कंट्रीज सफर्ड। तो वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया गया, यानी वॉर के लिए दोषी करार दिया गया जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे द कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। तो 6 मिलियन का जो कंपनसेशन था वो जर्मनी को देना पड़ा। द एलीड आर्मी इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। अब एलीड आर्मीज जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया रिच राइनलैंड, जो कि किस चीज़ में रिच था? रिसोर्सेज में, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते थे, और राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया एलीड आर्मीज ने 1920s तक। मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्सलाइज। तो लोग जो हैं केवल युद्ध में हार के लिए ही नहीं जर्मनी इसको वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे, बल्कि ये जो ट्रीटी थी जिसमें इतनी सारी शर्तें थी और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी इंसल्ट फील हो रही थी ये ट्रीटी क्यों साइन की जर्मनी ने, तो इसलिए जो जर्मनी के लोग हैं वो इस गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द इफ़ेक्ट ऑफ द वॉर, यानी इतना सारा युद्ध हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जर्मनी पे और यूरोप पे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय।